गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनबॉक्स जिंदगी। तो अनबॉक्स जिंदगी में आज मैं आपको कुछ दिखाने नहीं वाली हूँ बल्कि सिखाने वाली हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फैब्रिक फ्यूज़न ज्वेलरी, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत इन है। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप बाहर परचेज़ करने चाहो तो बहुत ही कॉस्टली मिलती है, और मिलेगी ही क्यों ना मिलेगी, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही उसका बारीकी का काम होता है, फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए, सब कुछ मतलब एकदम परफेक्टली होना चाहिए, तब जाके वो एकदम परफेक्ट लुक आता है और तब जाके वो एकदम परफेक्ट बनती है। तो चलिए मैं आज आपको सिखाती हूँ फैब्रिक ईयरिंग कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बीच बीच में उसके टूल भी बताती जाऊँगी, उसकी सारी प्रोसेस भी बताती जाऊँगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बिकॉज वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो इसको एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो आप नहीं समझ पाओगे कि इसका आगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, आज जो हम ईयरिंग बनाने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए, मैं आपको पहले बेसिक टूल बता देती हूँ इसके, ये है कटर। इसको आप कोई भी चीज़ मतलब मरोड़ सकते हो, काट सकते हो, जैसे कि ये मैं आपको छोटा सा काट के दिखाती हूँ। ये एक ईयरिंग का पीछे का टॉप है पॉइंट, इसको आप ये देखो, ये इसी तरीके से आप इसको काट सकते हो। दूसरा वाला है ये पकड़, जो किसी भी मतलब चीज़ को ऐसे फोल्ड करने में काम आता है। सेकंड है सीज़र, ग्लू, ऑफ कोर्स ये तो नेसेसरी है, चाहिए ही चाहिए। फिर जो आज हम लोग ईयरिंग बनाने वाले उसके लिए ज़रूरी है ये स्टोन, ये कुंदन जैसे दिखते हैं। मैंने दो शेप के लिए है, एक रेक्टेंगल सॉरी एक ट्राइंगल लिए है और दूसरा जो है वो राउंड शेप का लिया है। ये देखिए, ये राउंड और ट्राइंगल मैंने दोनों स्टोन जो है वो लिए हुए हैं। और आज हम लोग इसके लिए दूसरा चाहिए कैनवास, आप ले सकते हो, लेकिन मेरे पास कैनवास नहीं था अवेलेबल, तो मैंने ये वैक्स स्ट्रिप ले लिए। कोई भी आप मतलब जो मोटा सा आप चीज़ जो है वो आप ले सकते हो, आप चार्ट पेपर भी ले सकते हो। मैंने आज के लिए ये वैक्स स्ट्रिप ली हुई है, रेड कलर का फैब्रिक लिया हुआ है, फैब्रिक ईयरिंग बनाने वाले तो रेड कलर का ये फैब्रिक लिया हुआ है। तो ये बेसिक जो चीज़ें थी ये हमको चाहिए ही चाहिए। वैक्स स्ट्रिप से क्या होता है कि उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है वो बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो राउंड हम लोग राउंड शेप में हम लोग लेने वाले हैं, तो आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, मतलब बॉटल का कोई ढक्कन ले सकते हैं या कोई कॉइन ले सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं राउंड। मैंने अभी मेरी पास जो एक स्टील की छोटी सी डिब्बी थी, मैंने उसका ढक्कन लिया है। मुझे इस साइज़ की, आप साइज़ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, मैंने इस साइज़ की मुझे ईयरिंग चाहिए तो मैंने इस साइज़ का ढक्कन लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको रख के सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसको शेप में काटेंगे। तो चलिए, सो गाइस ये ड्रॉ कर लिया है मैंने, आप लोगों को दिख रहा होगा। सो अभी इसको काटते हैं, और काटने में आप एकदम मतलब थोड़ा सा भी आपको आपका शेप जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल अपने जो आपने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से ही वो कट होना चाहिए। सो गाइस, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो फैब्रिक जो ज्वेलरी होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, क्योंकि उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो बेसिकली मुझे ये आइडिया कहाँ से आया, मैं देखती थी कि इंस्टा वगैरह पे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और मैंने जहाँ पे भी एग्जीबिशन में देख लो या कहीं पे भी देख लो, इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, तो मुझे वो मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि यार चलो क्यों ना खुद ही ट्राई करें ये बनाने के लिए। तो मैंने देखा, वीडियोस देखे उसके, तो उसमें से मैं बनाना अपने आप सीखी। फिर क्या था कि मैं जब वो पहनकर मतलब पहले मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जब वो अच्छे से बनता गया, प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़रूरी है गाइस, तो जब वो अच्छा बनता गया तो वो मोर और मोर मेरा फिनिशिंग जो है वो बहुत ही बेटर होता गया। इसमें मेन चीज़ जो होती है वो फिनिशिंग का ही होता है, जो भी वर्क है पूरा फिनिशिंग का ही वर्क है। अगर थोड़ा सा भी शेप आपका इधर उधर हो गया तो वो पूरा उसका शेप जो है ख़राब हो जाएगा। देखिए मैंने ऐसे दो काटे हैं, क्योंकि उसको जॉइंट करके हम ऐसे चिपका के उसका जो थिकनेस है, जो लेवल उसका है, वो दो जॉइंट करके आप इसको चिपकाओगे तो थिकनेस लेवल उसका बढ़ जाएगा। सो मैं आपको ये बता रही थी कि जब वो ज्वेलरी फिर मुझे बनाना आ गया धीरे धीरे, तो मैं भी वो पहन सकती थी। जो भी मेरे ड्रेसेस वगैरह मैं डिज़ाइन करती थी, वो जो मैं बनाती थी, वो फिर उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसके मैचिंग का जो है वो मैं ज्वेलरी भी बनाती उसके अकॉर्डिंग बनाती थी। और जब वो मैं पहनकर निकलती थी तो गाइस वो ग्रुप में सब लोग मुझे यही पूछते थे कि ये कहाँ से बनाई, कहाँ से ली तुमने।
फिर धीरे धीरे वो मैंने खुद बनाना दूसरों के लिए भी चालू किया और दूसरों के लिए भी मैं वो ऑर्डर्स लेने लगी थी। धीरे धीरे मेरा मुझे मज़ा आने लगा उस काम में और क्या है कि अर्निंग भी होने लगी। तो जो लोग मतलब जॉब नहीं कर पा रहे हैं, जो लेडीज़ जॉब नहीं कर पा रही है अपने परिवार की वजह से, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, किसी के बच्चे छोटे, दूसरी तरह से जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम भी बन जाती है, इनकम का एक सोर्स भी हो जाता है। मैंने ये गाइस बहुत सेल किए हैं, एग्जीबिशन में ले लो, मैं वर्कशॉप भी इसकी करती थी, मैं उसकी डिटेल आपको आगे बताऊँगी। देखिए ये मैंने जो है वो ज्वाइंट कर लिया है, ये अच्छे से चिपक गया है, इसको अच्छे से आप चिपका लो। और अगर हो सके तो ऐसी ग्लू जो आती है ना गाइस, ये वाली ग्लू लो, वाइट ग्लू में क्या होता है कि वो जल्दी से निकल जाता है कभी कभी, तो मैं हमेशा यही ग्लू इस्तेमाल करती हूँ, तो आप भी हो सके तो यही वाला इस्तेमाल करो। फिर इसके अकॉर्डिंग जो है ये रेड कपड़ा जो है वो आप काट लो, इसके ऊपर सेम मैंने जो मेज़र लिया था वही आप इसके ऊपर रखो, ड्रॉ करो और उसी के हिसाब से ऐसे दो काटो। सो गाइस ये दो अच्छे से काट लो, मैंने ये अच्छे से काट लिए है। अभी इसको क्या है कि इसको दोनों साइड से बराबर एकदम परफेक्ट फिनिशिंग से आपको इसके आगे और पीछे दोनों साइड ऐसे चिपकाने हैं और देखना कि कहीं पे भी कुछ भी शेप में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग से इसको चिपकाना है। चलिए सो गाइस ये देखो ये ऐसे चिपक के रेडी है, इसको मैंने अच्छे से ग्लू से चिपका लिया है और देखना कहीं पे भी राउंड जो है उसका जो शेप है वो एकदम मतलब ख़राब नहीं हुआ है, ये एकदम परफेक्ट है। तो आपको भी यही ध्यान रखना है, कहीं पे भी आपको ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे तो शेप जो है वो अनइवन हो जाएगा, वो थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है। और अगर आपको आप इससे बड़ा कपड़ा लेकर उसको ऐसे स्टिच भी पीछे से कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल के लिए अभी इसको चिपका दिया है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने इसके लिए राउंड स्टोन को जो है वो चुना है। अभी हम इसको पूरी किनारी को कोटिंग करेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उसको राउंड से ये स्टोन से भर देंगे। सो चलिए, और इसको लगाते समय भी ध्यान रहे कि वो एकदम एक ही लाइन में होना चाहिए, कहीं से भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी ऐसा हुआ तो पूरा अनइवन हो जाएगा। आपको क्या करना है कि पहले पूरी जो धार होती है, जो किनारी होती है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आधा आधा करके ग्लू लगा देना है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो आप ऐसे ग्लू इसको लगा दीजिए, फिर जो ये जो सली होती है ना उसको थोड़ा सा ग्लू कीजिए और स्टोन जो है वो ऐसे चिपक जाएगा, इसको चिपका कर यहाँ पर लगा दीजिए। तो क्या है कि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो एक एक स्टोन आप लेने चाहोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा स्पीड में काम होगा, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे करने चाहोगे तो कब तक मतलब वो होगा आपका। तो आप ऐसे स्टोन ऐसे लीजिए और इसको यहाँ पे इसको चिपका दीजिए। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा ये फैब्रिक ईयरिंग जो बिज़नेस करते हैं इसका उसको बनाना, लेकिन हो सकता है कि मेरे वीडियो से आपको कहीं कोई और छोटी सी ट्रिक भी मिल जाए कि हाँ इसको हम ऐसे बनाते हैं तो ये करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। सो इस हिसाब से भी मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए प्लीज़। तो हम लोग इसको पूरी देखिए ऐसे चिपका, पूरे इसको राउंड में ऐसे चिपका देंगे ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए। सो गाइस इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इस हिसाब से कॉस्टली ये ज्वेलरी होने का एक रीज़न ये भी है कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत बारीकी का काम है, इसलिए ज्वेलरी इतनी महंगी मिलती है। तो अगर कोई जो है वो मैंने ये जॉब मैं जॉब नहीं कर रही थी पहले, तो अभी भी नहीं करती, तो जॉब मैं नहीं कर रही थी पहले, तो मुझे ये घर बैठे ये आइडिया है कि फ्री बैठे रहने से अच्छा है कि क्यों ना ऐसा कुछ क्रिएटिविटी किया जाए। वैसे भी ये काफ़ी महंगी मिलती है मार्केट में, तो मुझे ये घर बैठे आइडिया है और मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। जब बना रही थी तब मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इतना मतलब आगे तक जा पाऊँगी, सो मैंने वो धीरे धीरे दूसरों के लिए भी बनाना स्टार्ट किया, दूसरों के मुझे ऑर्डर्स भी मिलने लगे। वर्कशॉप के बारे में मैं बता रही था, तो लोग सीखते भी थे, ऐसा नहीं था कि जो यंग जनरेशन है वही मुझे मेरे पास सीखने आते थे। कई बार तो क्या होता था कि आंटियाँ भी जो होती है वो भी वो ऐसे नहीं कि हमको हमारी एज हो गई है तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती,
तो वो एज में वो कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते थे, तो इस हिसाब से भी वो सीखने आते थे। एंड गाइज ट्रस्ट मी, मेरा बहुत ही अच्छा जाता था वर्कशॉप। तो अगर आपको भी किसी को भी वर्कशॉप अटेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। और बहुत इसके बहुत सारे आप पूरा इसका कॉम्बो भी बना सकते हैं। जैसे ये ऐसा इयर रिंग बना है वैसा आप रिंग फिंगर रिंग बना सकते हो, इयर रिंग बना सकते हो, तो उस हिसाब से आप पूरा कॉम्बो भी बना सकते हो। और इसमें बहुत टाइम जाता है गाइस, इसलिए एक वजह है मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत कॉस्टली मिलती है ज्वेलरी। तो आप आराम से इसको, जो मैं कॉस्टिंग इसकी बाद में बताऊँगी कि कितने में सेल होता है, तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी मिलता है अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा क्लाइंट को ढूंढने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका काम, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में आपका काम बोलेगा। तो बस ये यही वजह थी कि मैंने ये काम स्टार्ट किया, और मुझे धीरे धीरे इसमें बहुत मज़ा आने लगा और मेरा काफ़ी अच्छा जाता था, मैं बाहर के भी ऑर्डर्स लेती थी। तो चलिए अब ये हमारा बनके रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये बनके रेडी है, ये पूरा सर्कल जो है वो मैंने बना लिया है। अभी ये बीच में जो है वो बहुत ही खाली खाली सा लगता है, बिकॉज खाली पूरा लाइन ही मैंने बनाई है। तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए ये जो मैंने आपको ट्राइंगल वाले जो स्टोन दिखाए थे आपको स्टार्टिंग में, ये देखिए जो ट्रायंगल वाले मैंने स्टोन दिखाए थे वो मैं इसके बीच में थोड़ा लगाने वाली हूँ, ताकि वो खाली ना दिखे, थोड़ा सा भरा हुआ दिखे। तो चलिए मैं वो लगा के आपको दिखाती हूँ। और ये पूरा मतलब एकदम मैं अभी आपको बेसिक बनाना सिखा रही हूँ, तो एकदम सिंपल सा मैंने डिज़ाइन इसको आपके लिए चूज़ किया है, ताकि वो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा हार्ड ना लगे। सो देखिए अभी ये पूरा सूखा नहीं है, तो मुझे पकड़ने में बहुत डर लग रहा है, तो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है इसको। सो यस ये देखो, ये बीच में मैंने थोड़ा सा कुंदन का टच दे दिया है, तो ये पूरा बन के रेडी हो गया है। अभी इसको सुखाने में थोड़ा टाइम जाएगा। इसके पीछे जो है वो पेच बनाना है हमको, ताकि वो हम हैंग कर सके। पेचिस के लिए ऐसा जो है ये मिलता है बाहर, छोटा सा पेच पीछे, ये देखिए आप छोटी सी जो देख रहे हो ना, ये मिलता है रेडी। इसको हम इसके पीछे चिपकाएंगे, स्टिक करेंगे। तो चलिए इसको चिपकाने के लिए अगर आप फेविक्विक ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो एकदम से मजबूत से चिपक जाता है। तो हम इसको इसके ऊपर से चिपकाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद जो है वो फाइनल लुक में आपको दिखाऊंगी। पहले इसको चिपका लेते हैं अच्छी तरीके। गाइस वेलकम, ये अभी मैंने जो है ये पीछे लगा दिया है ऐसे, देखो ये आपको परफेक्टली दिखेगा। सो अभी इसको सूखने के लिए रखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है ना इसका, ये पहना हुआ और भी ब्यूटीफुल लगता है। ये सूखने के लिए हम लोग रख देते हैं, तब तक मैं आपको मेरा और फैब्रिक कलेक्शन जो है वो दिखाती हूँ, टाइम पास करते हैं थोड़ा बहुत। तो ये मैंने बनाई है इयररिंग, ये देखिए इसमें आप ना छोटा सा नीचे ऐसे कुछ अलग सा डाल के कुछ ट्विस्ट भी दे सकते हो। ये पूरा मटेरियल जो है ये पूरा ऑलरेडी वर्क वाला है, तो सो मैंने इसके नीचे इसको मैं कुछ किया नहीं है, और ये नीचे पूरा हैंग इसको कर दिया ऐसे ज्वेलरी ऑक्सीडाइज की लगाकर। तो ये सिंपल का सिंपल भी हो जाएगा, और ज़्यादा हैवी लुक भी नहीं चाहिए था मुझे जो मैंने आपको। और ये मैंने एक ड्रेस के लिए बनाई थी उसकी मैचिंग की ज्वेलरी, ये देखो। ये पहने हुए बहुत खूबसूरत ज्वेलरी लगती है, लेकिन बनाने में बहुत मेहनत होती है, इसलिए इसकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाती है। फिर आती है ये फ्यूज़न ज्वेलरी, ये मुझे ये वन ऑफ माय फेवरेट ज्वेलरी है, इयररिंग है, मुझे बहुत पसंद है गाइस। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है ना, ये मैंने अपनी एक हैवी ड्रेस के लिए बनाई थी, और ये भी मैंने खुद बनाई है। ये देखो कितना अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा सा देसी टच दिया हुआ है मैंने नीचे। अब पूरा ये बीच में जो है पल है, ये वुडन के ऊपर मैंने कुंदन चिपकाए हुए हैं, और ये पूरा जो है वो स्टोन है बड़ा वाला, और नीचे ये अफगानी एक डूल दिया हुआ है। ये भी पहना हुआ बहुत खूबसूरत दिखता है इससे। फिर आता है ये फैब्रिक फ्यूजन ज्वेलरी इयररिंग, ये देखो ऐसे आप अलग अलग तरीके से इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो। ये देखो मैंने ये पूरा प्लेन रखा है, इसके ऊपर एक स्टोन चिपकाया हुआ है, और नीचे जो है वो बाली मैंने जो रेडीमेड मिलती है बाली, उसका जो है स्टिच किया हुआ है आधा,
ये देखो मैं पहन के आपको दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत दिखती है। सी अगर हैवी ड्रेस के ऊपर आप पहनोगे तो बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी, और आजकल ये मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। फिर जो है वो मैंने बनाया है एक, मेरा एक रेड ड्रेस था उसके ऊपर मैंने एक टॉप घुंघरू ईयरिंग बनाया हुआ है। आजकल घुंघरू ईयरिंग भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन मैंने घुंघरू थोड़ा बड़ा लिया हुआ है, जो अपने नेकलेस में और जो पैरों की पायल में जो होते हैं वो घुंघरू ऐसे वाले। और ये मैंने मिरर और कुंदन का टच दिया हुआ है इसके ऊपर, ये भी पहने हुए बहुत खूबसूरत दिखते हैं। मैं आपको एक एक पहन के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि यार नहीं ये पहने हुए वाकई में बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं गाइस। फिर जो है मैंने ये कॉम्बो बनाया हुआ है रिंग और इयररिंग का, ये देखो ये रिंग बनाई हुई है और इसके ऊपर ये इयररिंग है, इसके नीचे भी मैंने ये एंटिक डूल लगाए हुए हैं तो ये भी बहुत प्यारा दिखता है, ये देखो। फिर जो है ये सिंपल सी मैंने इयररिंग बनाई हुई है, इसके अंदर भी मुझे ना हर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये देखो मैंने फैब्रिक का जो है वो लिया हुआ है नीचे का जो बेस है वो, और उसके ऊपर ये अफगानी मैंने टॉप स्टिच किए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है ये हैंड कफ, जो कि ये भी मेरा वन ऑफ फेवरेट है, ये देखो ये भी पूरा स्टोन का बना हुआ है और ये पहना हुआ पार्टी वेयर लुक है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है गाइस। ये देखो कितना प्यारा कितना खूबसूरत दिखता है ना ये। सो गाइस मैंने आज आपको पूरे से अच्छे से सिखाया, बेसिक नॉलेज दी कि किस तरह से फैब्रिक ज्वेलरी बनती है, और इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी जो है वो बना सकते हो, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट जो ज्वेलरी बना सकते हो, ये बहुत ही मार्केट में अच्छी से सेल होती है, तो आप एक्स्ट्रा इनकम भी इससे सोर्स कर सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम भी बना सकते हो इससे। और देखो ये फाइनली हमारा लुक है इयररिंग का, ये देखो पूरा मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। मुझे बड़ी ज्वेलरी बहुत पसंद है तो इस हिसाब से मैंने साइज़ लिया था, लेकिन अगर किसी को छोटी स्मॉल साइज़ चाहिए तो वो अपने हिसाब से ले सकता है। ये देखो कितना खूबसूरत दिखता है बना हुआ, एक पहना हुआ कितना खूबसूरत, जब हम तैयार होते हैं अच्छी तरीके से तब ये बहुत ऊपर के आता है। अब मैं हमेशा ही ज्वेलरी अपने फेस के अकॉर्डिंग ही चूज़ करती हूँ, तो इस हिसाब से मैंने ये लिया हुआ था। तो सो आज की आपको आज की मेरी वीडियो ये कैसी लगी मुझसे शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा नीचे। अगले एपिसोड नहीं, हमारी कोई सीरियल थोड़ी चल रही है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर, कुछ नया सीखने के लिए या कुछ दिखाने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय।